अपू के साथ 2.5 साल। बखेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तेहार दिया। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहां पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए लेकिन अपू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया। उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वह बोला, किया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अपू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ। विज्ञापन देकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बैनर्जी ही पथेर पांचाली में अपू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल तक चलने वाला है। इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकरून की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र की चुन्नी वाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नाम के एक गांव में आए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरा होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगध्यात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे दौड़ते दौड़ते अपू काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बौराए हुए ही थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहां आ गए हैं हम, कहां गए वे सारे काश फूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन को शूटिंग करते तो पहले सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नजारद हो जाती। उस सीन के अगले अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में जब वह मैदान फिर से काश फूलों से भर गया तब की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक जितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती हैं, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर दिन एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पथेर पंचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग-अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित ना कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण
बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूं। मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में दृश्य ऐसा है कि अपू की माँ सर्वजया अपू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अपू का भात खाना देख रहा है। अपू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है और इसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है, लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूर्य की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हुए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठे होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था और उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर की तरह सफेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग-अलग कुत्तों से काम लिया है। और अब कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी ऐसी समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। उस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहां से मिलेगा? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बांसवन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर आता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने 1 से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना। इस श्रीनिवास के सीन में एक ही शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस बार अपने घर के पास अपू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नजर से देख रहे हैं। क्यों, मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का जवाब वे ना में देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की तरफ जाने लगता है। अपू दुर्गा से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं। उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसीलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अपो दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक ने हमसे कहा था, अपो दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना, लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था।
अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें अपनी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। पैसों की कमी के कारण बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से मैं अपू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपट कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता करम छा, हे वृष्टि धरे जा, यानी नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल अब घर आओ, वापस जाओ। बरसात, ठंड, अपू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी सी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पंचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गाँव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अपू दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस के झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं, उस जमाने में वे नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहां के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे, उनका माथा गंजा था, वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोध दास से हमारा अच्छा परिचय हुआ, वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोक गीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे, बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो, वह है रूजवेल्ट। रूजवेल्ट 1882 से 1945, पूरा नाम फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति, 1933 से 1945 तक। इन्हें FDR भी कहा जाता था। इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। पक्का पाजी दो, चर्चिल 1874 से 1965, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1953 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और एक था हिटलर। हिटलर 1889 से 1945, जर्मनी के तानाशाह चांसलर, 1933 से 1945 तक, तथा नाजी पार्टी के लीडर थे। तो एक था अब्दुल गफार खान। अब्दुल गफार खान 1890 से 1988, वे पख्तूनों यानी अफगानों के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे, जिसके कारण उन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था, उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद ना की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिर दर्द बन जाता। जिस घर में हम पाथेर पंचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे, उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग एक महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक कुछ ऐसे कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर
हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें नहीं देख सकते थे, फिर भी उनकी आवाज सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना में जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब ना आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने पर हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहां रह रहा था। If you like my videos, please subscribe my channel, Fred Monster Studios, and hit the bell icon.